हेलो, वेलकम है एक नए चैप्टर इस ट्वेल्थ वाले फिजिक्स में। और आज का चैप्टर है विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लोग सिंपल शॉर्ट फॉर्म में ईएमआई भी बोलते हैं। लास्ट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट, चार्ज के कारण, करंट के कारण उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज, कोई दूसरा करंट वायर मूव कर रहा था, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट हो रहा था। इस चैप्टर में बात करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले एक दो टर्म है, इस तरह से ऑलरेडी दो टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीख चुके थे। याद कीजिए कि किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसको हम लोग लाइन से खींच के दिखाते थे, इमेजिनरी लाइन से खींच के दिखाते थे। उस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लाइन से उस रीजन में खींच के दिखाते थे, जिस फील्ड को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक लाइन्स पढ़े थे, यहां पर हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर क्या है कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको दिखाने के लिए लाइन से हम खींच के दिखाते हैं। उसी तरह से अगर किसी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, उसको दिखाने के लिए कि किधर मैग्नेटिक फील्ड है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, आप चाहे तो लाइन से खींच के दिखा सकते। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, किसी रीजन में फील्ड है, उसका कुछ डायरेक्शन होगा। जनरली वेक्टर को लाइन से खींच के दिखाते हैं, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को लाइन से खींच के दिखाते हैं। एंड दैट लाइन जिसके हेल्प से किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे, इसको बोला है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पड़े, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको लाइन से खींच के दिखाते थे, उसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते थे। उसी तरह से अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसको लाइन से रिप्रेजेंट करें, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। एंड इमेजिनरी लाइन, लाइन होता नहीं है, उस फील्ड को दिखाने के लिए लाइन हम लोग खींच के रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सेम डिफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में थी कि अगर किसी रीजन में फील्ड है, तो उस रीजन में फील्ड को दिखाने के लिए लाइन से खींच के देखो। अगर हर जगह एक ही डायरेक्शन है तो लाइन सीधा खींच जाएगा, अलग अलग जगह फील्ड अलग अलग है तो लाइन कुछ टेढ़ा खींच जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा डायरेक्शन में फील्ड। किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड, उसको दिखाने के लिए हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइन होता नहीं है, जस्ट टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लाइन खींचेंगे, इमेजिनरी लाइन खींचेंगे। और कुछ इस तरह से खींचेंगे कि किसी भी पॉइंट पे उस लाइन पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर लाइन ऐसा दिखा है कहीं रीजन में, अगर इस पॉइंट पे बोले कि फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उस जगह टेंजेंट खींचेंगे, उस जगह टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही रिप्रेजेंट करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। तो सेम चीज ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम चीज यहां पे मैग्नेट में, मैग्नेटिक इफेक्ट में। हाँ, सारा प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में था सारा यहां पे भी वैलिड है, बस कुछ अंतर है। अब क्या कुछ अंतर है वो अलग से हम लोग पढ़ना है। एक छोटा सा बार मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म करके एक टॉपिक है, उसमें डिटेल में इसके बारे में पढ़ना। तो जो मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ये वाला बात डिटेल में वहां पे, कि जो लाइन खींचते हैं किधर खींचते हैं, कैसा खींचते हैं। बाकी डिफिनेशन जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का था, वैसे यहां पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इस लाइंस के बारे में डिटेल में हम लोग को मैग्नेटिज्म बीच में एक छोटा सा चैप्टर है उसमें पढ़ना है। जब उसका बात करेंगे तो वहां पे इसके बारे में बात करेंगे। अगर इस चैप्टर ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आगे बढ़ने का बात करें, इसके बारे में डिटेल में दूसरे टॉपिक में पढ़ना है। अगर आगे बढ़े तो एक और टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां पर मैग्नेट में पढ़ना है मैग्नेटिक फ्लक्स।
जो डिफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था वही यहां का मैग्नेटिक फ्लक्स का। याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे कि अगर किसी रीजन में फील्ड है तो फील्ड को हम लोग लाइन से खींच के दिखाते हैं। हर जगह फील्ड एक ही डायरेक्शन में तो लाइन सीधा होगा, अगर अलग अलग डायरेक्शन में तो लाइन कुछ तिरछा आएगा। वहां अगर किसी रीजन में फील्ड है उसमें अगर कोई एरिया अगर रखा है तो उस एरिया के उस फील्ड में रहने के बाद उससे कुछ लाइन पास करता है। अब उस एरिया के फील्ड में रहने के बाद कितना लाइन पास करता है उसको हम लोग फ्लक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे कि अगर कोई एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उससे इलेक्ट्रिक लाइंस कितना पास करेगा उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से कि अगर किसी एरिया को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रखें तो उससे कुछ लाइन पास करेगा, उससे कितना लाइन पास कर रहा है उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। विच इज मैग्नेटिक फ्लक्स पासिस थ्रू, अगर इस बॉडी का अगर छोटा सा एरिया बात करें इस मैग्नेटिक फील्ड में होने के बाद, अगर इस बॉडी के छोटा सा एरिया से बात करें तो कुछ लाइन पास करेगा, कुछ फ्लक्स पास करेगा, छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा डीफाई। डीफाई मतलब छोटा सा फ्लक्स छोटे से एरिया के उस फील्ड में रहने के बाद, छोटा सा एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा तो डीफाई बराबर इलेक्ट्रोस्टैट में था ई डॉट डीएस, इलेक्ट्रोस्टैट में था ई डॉट डीएस, यहां पर बी डॉट डीएस कि एरिया के मैग्नेटिक फील्ड में होने के बाद उससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है इज इक्वल टू बी डीएस कॉस थीटा। वेयर थीटा इज एंगल, थीटा इज एंगल किसके बीच उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंड किसके बीच, तो याद कीजिए थोड़ा सा डीएस इज था वेक्टर एरिया, याद कीजिए पढ़े इस तरह से किसी एरिया के मैग्नेटिक फील्ड में होने के बाद उससे कुछ लाइन पास करेगा, उससे कितना लाइन पास करेगा उसको फ्लक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स, कितना बी डॉट डीएस कि उस एरिया के फील्ड में होने के बाद उससे जो फ्लक्स पास करेगा बी डॉट डीएस दैट इज इक्वल टू बी डीएस कॉस थीटा। यहां पे थीटा इज एंगल किसके बीच उस फील्ड और एरिया के बीच, यहां पर एरिया नहीं एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट में यूज किए थे वेक्टर एरिया एंड इट्स उसका डायरेक्शन किधर होगा एंड इट्स डायरेक्शन इज आउटवर्ड नॉर्मल फ्रॉम द सरफेस। किसी सरफेस का एरिया तो हम लोग फिजिकली 7x में पढ़ता रहे कि कैसे रिलेट करेंगे, लेकिन ये एरिया यहां पे वेक्टर फॉर्म में कंसीडर करना है, मतलब एरिया के साथ डायरेक्शन ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट में सीखे थे कि अगर इस छोटे से एरिया का अगर डायरेक्शन का बात करें तो सरफेस से बाहर, बाहर किधर तो सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर, उस फील्ड में रहने के बाद कुछ एंगल पे रखा है उससे कितना लाइन पास करेगा दैट इज कितना फ्लक्स पास करेगा बी डॉट डीएस। ये छोटा सा एरिया से था, अगर टोटल एरिया से अगर फ्लक्स निकालना हो तो टोटल फ्लक्स थ्रू एन एरिया, अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो कुछ नहीं छोटा सा एरिया से इतना टोटल कितना तो एक करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फाइव ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में फाइव बी से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फाइव ई से, दोनों का सिंबल एक ही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी मैग्नेटिक फ्लक्स का भी, टोटल फ्लक्स कितना होगा तो एक अंदर के इंटीग्रेट करना पड़ेगा विच बी डॉट डीएस दैट इक्वल टू बी डीएस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन दैट इज फ्लक्स। फ्लक्स मतलब उस बॉडी के उस फील्ड में होने के बाद उससे कितना लाइन पास करता है उसको हम लोग फ्लक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा नोट कीजिए तो आगे कुछ कंटिन्यू और करते हैं इस फ्लक्स के बारे में। आगे कंटिन्यूएशन में यह है कि सारा
जितना भी इलेक्ट्रोस्टेट में टर्म फ्लक्स रिलेटेड सीखे थे सारा यहां पर। चलिए इसको पहले नोट कीजिए तो आगे बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का, बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ही जैसा है। और डिटेल में समझने के लिए पढ़ने के लिए आप बोल सकते हैं कि आप अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिवीजन कर लें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाए। तो बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने के बजाय जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े हैं, थोड़ा सा एक बार खाली रिवाइज कर लीजिए उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ये मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप हो जाएगा। हाँ, कुछ टर्म है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। बात कर रहे थे कि किसी सरफेस एरिया के फील्ड में होने के बाद, मैग्नेटिक फील्ड में होने के बाद जो उससे लाइन पास कर रहा है उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। याद कीजिए हम लोग सीखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि लाइंस होता नहीं, यह सोच भी सकते हैं कि किसी रीजन में फील्ड है, फील्ड को लाइन से दिखाते हैं, लाइन होता ही नहीं। फील्ड है लेकिन उसमें लाइन नहीं होता, जस्ट टू रिप्रेजेंट कि इस डायरेक्शन में फील्ड है उसको हम फील्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। असासा अगर किसी एरिया के फील्ड में रहने के बाद अगर लाइन पास करने का बात है तो लाइन होता ही नहीं है, तो पास कहां से करेगा? और अगर लाइन किसी बॉडी से पास नहीं कर रहा है तो फ्लक्स का बात नहीं होगा। लेकिन फ्लक्स एक हाइपोथेटिकल फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड, कुछ कैलकुलेशन को आसान करने के, कि किसी रीजन में फील्ड है, फील्ड होता फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी बॉडी से फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस फ्रॉम इट। किसी एरिया के फील्ड में होने के बाद उससे कितना लाइन पास कर रहा है, लाइन ना होता है ना पास करेगा, अगर पास ही नहीं करेगा तो फ्लक्स का बात नहीं उठेगा। लेकिन एक हाइपोथेटिकल फिजिकल क्वांटिटी, कुछ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक फ्लक्स फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया है, जो जस्ट समझने के लिए आप बोल सकते हैं बता रहा होता है, फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस थ्रू एरिया। किस एरिया के फील्ड में होने के बाद उससे कितना लाइन पास कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, थोड़ा सा और अगर पॉइंट बात करें कि अगर कोई क्लोज बॉडी ऑफ एनी शेप, कैसा भी क्लोज बॉडी, अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, फ्लक्स जीरो था। उसी तरह से अगर कोई क्लोज बॉडी अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो उससे फ्लक्स जीरो पास करेगा। ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट के इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग सीखे थे, प्रॉपर्टी यूज किए थे कि बॉडी चाहे कैसा भी क्लोज रखा हो अगर मैग्नेटिक फील्ड में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब था कि लाइन बराबर गैप पे होगा, जितना लाइन इन कर रहा होगा उतना ही लाइन बाहर निकलेगा। अगर इनवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर करें तो आउटवर्ड को निगेटिव, या आउटवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर करें तो इनवर्ड को निगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। विच इज अगर आउटवर्ड वाला पॉजिटिव फ्लक्स लीजिएगा तो इनवर्ड वाला निगेटिव, टोटल फ्लक्स कितना आएगा? किसी क्लोज बॉडी के किसी फील्ड में रखने के बाद अगर बॉडी क्लोज है, चाहे जैसा भी क्लोज होगा, जितना लाइन इन कर रहा होगा उतना ही लाइन बाहर निकलेगा। अगर टोटल फ्लक्स का बात करें, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस से जीरो है। मैग्नेटिक फ्लक्स बताता है कि बॉडी से कितना लाइन पास करेगा, लाइन पास कर रहा है लेकिन जितना लाइन इन कर रहा है उतना ही लाइन बाहर निकलने के कारण जब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का बात कीजिएगा इट इज इक्वल टू जीरो। आप चाहे तो डिराइव भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट के इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इस तरह से डेरिवेशन हम लोग किए कि बॉडी क्लोज है, जितना फ्लक्स पॉजिटिव में उतना नेगेटिव, लेकिन तब जब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टोटल फ्लक्स जीरो है। हाँ,
अगर यूनिफॉर्म फील्ड की वजह अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है तो उससे कुछ फ्लक्स पास करेगा, लेकिन जहां फील्ड यूनिफॉर्म दिख जाए, अब उस यूनिफॉर्म फील्ड में अगर क्लोज बॉडी हो तो चाहे कैसा भी क्लोज बॉडी हो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो था, मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो। हाँ, आउटवर्ड फ्लक्स को जनरली हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए क्योंकि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता था जनरली आउटवर्ड लेते थे। जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो अगर कोई लाइन बॉडी से बाहर निकल रहा है तो वो पॉजिटिव आएगा, और इनवर्ड फ्लक्स विच अगर कोई लाइंस अगर उस बॉडी से अगर इन कर रहा होगा तो उसका फ्लक्स नेगेटिव आएगा। तो ये कुछ पॉइंट है ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़े हैं, बेटर होगा कि इलेक्ट्रोस्टेट का थोड़ा सा डिटेल में रिवाइज कर, वहां ज्यादा डिटेल में लोग पढ़े, यहां भी पढ़ेंगे डिटेल में, खूब सारा कैलकुलेशन सारा इस फ्लक्स पे ही पूरा चैप्टर है, बेस्ट है, कैलकुलेशन करेंगे अलग अलग कंडीशन में, लेकिन थोड़ा सा बेटर होगा कि उसको रिवाइज कर लीजिए, कहां वाला जो इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वाला यूज करेंगे डिटेल में, लेकिन वो वाला पहले रिवाइज कर लीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, तो कुछ आगे वाला पॉइंट हम लोग बात करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो अभी तक इस चैप्टर में हम लोग दो टर्म बात की, एक था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, एक मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल उसी तरह से था जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स था जो ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टेट में आप सीखे हुए, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, आगे पूरे चैप्टर में जरूरत पड़ेगा, यूज करेंगे अलग अलग कंडीशन। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक लॉ है जो हम लोग को पढ़ना है, ये हमेशा प्लस टू में पूछा जाता है, दैट इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोग बात कर रहे थे कि किसी लूप के किसी एरिया के फील्ड में रहने के बाद उससे कुछ लाइन पास कर रहा था, कितना लाइन पास कर रहा था उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल, कुछ थ्योरेटिकल, कुछ ऑब्जर्वेशन के बाद एक लॉ फैराडे का दिया हुआ क्या है, देखिएगा कि अगर किसी कंडक्टिंग लूप, किसी कंडक्टिंग लूप, लूप कैसा भी हो सकता है, कोई सरफेस भी हो सकता है, कोई कंडक्टिंग सरफेस, कोई कंडक्टिंग लूप या किसी मूविंग कंडक्टिंग रॉड, अगर एक कंडक्टिंग रॉड अगर मूव कर रहा, अगर किसी मूविंग कंडक्टिंग रॉड या किसी कंडक्टिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में है और उस फील्ड में रहने के बाद जो उससे फ्लक्स पास कर रहा है और अगर वो फ्लक्स चेंज करे, किसी मूविंग रॉड या किसी कंडक्टिंग लूप के फील्ड में होने के बाद उससे जो फ्लक्स पास कर रहा है, उससे जो लाइन पास कर रहा है, उससे जो फ्लक्स पास कर रहा है, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज करे, whenever there is change in magnetic flux through a conducting loop या moving conducting rod, अपने आप कोई रॉड मूव कर रहा है फील्ड में, उससे जो फ्लक्स पास करेगा उस फील्ड में रहने के बाद, अगर वो फ्लक्स टाइम के हिसाब से चेंज कर रहा है किसी लूप के फील्ड में होने के बाद, अगर उससे जो फ्लक्स पास कर रहा है अगर वो चेंज कर रहा है, तो उस लूप में उस रॉड में अपने आप एक वोल्टेज, अपने आप बिना बैटरी का ही एक वोल्टेज, एक ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ इज डेवलप अक्रॉस इट। किसी लूप के फील्ड में होने के बाद उससे जो फ्लक्स पास कर रहा है, फ्लक्स पास नहीं, जो फ्लक्स पास कर रहा है अगर वो समय के हिसाब से चेंज करे, टाइम के हिसाब से चेंज करे, किसी मूविंग रॉड, कोई रॉड मूव कर रहा है फील्ड में, अगर उस रॉड से जो फ्लक्स पास कर रहेगा अगर वो फ्लक्स टाइम के हिसाब से चेंज करे, तो उस रॉड में, उस लूप में अपने आप बिना बैटरी का, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प का, अपने आप एक वोल्टेज, एक ईएमएफ अपने आप डेवलप होगा, जिसको बोलते हैं एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, मैग्नेटिक फिल्म होने के बाद उस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण अपने आप इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक वोल्टेज, एक ईएमएफ उस रॉड के अक्रॉस, उस लूप के अक्रॉस डेवलप हो। किसके अक्रॉस? कोई सरफेस, कोई लूप, कोई रॉड। अगर फील्ड में होने के बाद जो उससे फ्लक्स पास कर रहा है, पास नहीं, जो फ्लक्स पास कर रहा है अगर समय के हिसाब से चेंज करे, तो अपने आप एक वोल्टेज, अपने आप एक ईएमएफ जिसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ, उसके क्रॉस डेवलप होगा। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस मैग्नेटिक वाले इफेक्ट के कारण अपने आप एक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज डेवलप हो रहा। एक एक करके डिटेल में सारा हम लोग को इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है, कितना फ्लक्स पास करेगा, किस तरह से चेंज करेगा, ईएमएफ कितना डेवलप होगा, क्यों डेवलप होगा, सब कुछ पढ़ना एक कर। हाँ, जो फैराडे दिया था वो थोड़ा थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बेस्ड था। बाद में हम लोग एक करके रीजन सीखेंगे कि आखिर ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है। शुरुआत में थ्योरेटिकल कि किसी लूप से फ्लक्स जो पास कर रहा है अगर टाइम के हिसाब से चेंज करेगा तो उस रॉड के अक्रॉस अपने आप ईएमएफ डेवलप होगा। याद किस फसा फ्लक्स होता ही नहीं क्योंकि वो इमेजिनरी फिजिकल क्वांटिटी है। जब होता ही नहीं तो पास कहां से करेगा, और जब पास ही नहीं किया तो चेंज कहां से करेगा, और जब चेंज ही नहीं किया तो ईएमएफ इंड्यूस कहां से होगा। तो यह सारा शुरुआत में थ्योरेटिकल बेस्ड है, कुछ ऑब्जर्वेशन के बेस पे है कि ऐसा होता है। बाद में डिटेल में इसी चैप्टर में सीखना है कि एक करके ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो आगे हम लोग बात करें। अभी जो फैराडे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बेस पे कुछ रूल दिया था उसको एक करके सीख। फ्लक्स पास जो कर रहा था अगर चेंज करेगा तो ईएमएफ डेवलप होगा, कितना ईएमएफ डेवलप होगा, द रेट ऑफ, रेट मतलब टाइम के हिसाब से, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स टाइम के हिसाब से, जो से जो फ्लक्स पास कर रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। जो फ्लक्स पास कर रहा था जिस रेट से चेंज करेगा टाइम के हिसाब से, वही बताएगा कि उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना, कितना ईएमएफ डेवलप हो। फ्लक्स जो पास कर रहा है अगर समय के हिसाब से चेंज होगा, अपने आप डेवलप होगा ईएमएफ, कितना डेवलप होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस। जो फ्लक्स जिस रेट से चेंज हो रहा होगा वही रिलेट करेगा उसके क्रॉस, उस रॉड के क्रॉस, उस लूप के क्रॉस जो ईएमएफ, जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसका वैल्यू कितना। उसी में एक टर्म और है कि ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा सच दैट इट अपोजेस द चेंज। बात कर रहा था किसी लूप के फील्ड में होने के बाद, किसी रॉड के मूव करने के बाद उस फील्ड में उससे कुछ फ्लक्स पास कर रहा है, फ्लक्स जिस रेट से चेंज करेगा वही ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ दैट इज वोल्टेज कहीं हाइयर होगा कहीं लोअर होगा, किधर हाइयर किधर लोअर होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ईएमएफ कुछ इस तरह से इंड्यूस होगा सच दैट इट अपोजेस द चेंज। अगर उससे फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो ईएमएफ कुछ इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो फ्लक्स घटाना चाहेगा। अगर फ्लक्स घट रहा होगा तो ईएमएफ उसके क्रॉस इस तरह से डेवलप होगा कि उसको बढ़ाना चाहेगा। मतलब जो ईएमएफ डेवलप होने का बात कर रहे हैं इस तरह से डेवलप होगा कि उस चेंज को अपोज करेगा, जिसको इक्वेशन में लिखिएगा बराबर ये बता रहा था कितना ईएमएफ डेवलप होगा, ये बता रहा है कौन से डायरेक्शन में ईएमएफ डेवलप होगा, ईएमएफ दैट इज वोल्टेज कोई एक हाइयर कोई एक लोअर कौन से डायरेक्शन में डेवलप होगा तो ये रिलेट करेगा इस तरह से कि उस चेंजेस का अपोज। अगर आप फ्लक्स बढ़ा रहे हैं तो ईएमएफ घटाने का कोशिश करेगा, अगर आप फ्लक्स घटा रहे हैं तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो फ्लक्स घटाना कोशिश करेगा। ये निगेटिव साइन जस्ट बता रहा है कुछ चेंजेस का अपोज करेगा, घटेगा तो ये बढ़ाने का कोशिश करेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटाने का कोशिश करेगा। और इस लॉ को बोलते हैं लेंज लॉ। फैराडे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बेस्ट था,
उसी को न्यूमेरिकली विद डायरेक्शन के साथ रिलेट किया, विच इज लेंज, उसी के नाम पे इसको हम लेंज लॉ बोलते हैं। तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं। फैराडे थोड़ा सा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बाद, आइए थोड़ा न्यूमेरिकली कितना ईएमएफ, कौन से डायरेक्शन में ईएमएफ, ये लेंज का दिया हुआ। ईएमएफ जो डेवलप होने का बात हो रहा है, ये तभी तक परसिस्ट, तभी तक दिखाई देगा जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो कि आप इक्वेशन से भी देख सकते हैं। फ्लक्स पास नहीं करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। फ्लक्स जिस समय चेंज करना बंद हो गया, ईएमएफ डेवलप होना बंद हो जाएगा। फ्लक्स जब तक चेंज कर रहा है तभी तक ईएमएफ डेवलप होगा, जहां फ्लक्स पास करे लेकिन हमेशा सेम हो तो ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, ईएमएफ जीरो हो जाएगा। जो ईएमएफ डेवलप होने का बात हम लोग सोच रहे हैं, ये तभी तक दिखाई देगा जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा हो। कितना? तो ई बराबर माइनस टी फाइव बाई डी टू। इसी में बात है कि एक ईएमएफ दैट इज एक वोल्टेज डेवलप हो रहा है, और जैसे ही एक वोल्टेज डेवलप होगा एक करंट पास करने का कोशिश करेगा। बैटरी है, एक ईएमएफ एक वोल्टेज डेवलप होने का बात है, एक बैटरी डेवलप होने का बात है, करंट पास करने का बात होगा। लेकिन पढ़े हैं कि बैटरी खाली रहने से करंट नहीं पास करेगा, वो एक क्लोज लूप का हिस्सा होना चाहिए। विच इज कि इफ द लूप इज क्लोज, जिसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप होने का बात है, अगर वो क्लोज लूप के फॉर्म में है, देन ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ देयर इज करंट, उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस करंट। वोल्टेज अपने आप डेवलप हो रहा था, बिना बैटरी का वोल्टेज डेवलप हो रहा था, अगर लूप क्लोज है तो अपने आप वहां पे करंट डेवलप होगा, एंड दैट करंट इसको बोलते हैं इंड्यूस करंट, विद उस करंट का वैल्यू। तो कहीं भी करंट का वैल्यू होता है वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, जो भी क्लोज लूप का हिस्सा होगा उसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, करंट निकालना हो, ईएमएफ बाय रेसिस्टेंस कितना, वन बाय आर, ई का वैल्यू माइनस डी फाइव बाय डी टी। कुछ नहीं, ईएमएफ पता है, सर्किट का रेसिस्टेंस पता हो, करंट निकाल सकते। पढ़े हैं कि अगर कहीं भी करंट पास कर रहा, देयर इज नेट फ्लो ऑफ चार्ज। तो कभी कभी यही क्वेश्चन पूछता है कि इस करंट के कारण कितना चार्ज उस लूप में पास करेगा। तो आप बोल सकते हैं ड्यू टू दिस इंड्यूस करंट, दिस इंड्यूस करंट there is net flow of charge, उस लूप में उस ईएमएफ के कारण जो करंट डेवलप हो रहा है उसके कारण वहां पे चार्ज पास करेगा। कभी कभी पूछा जाता है कितना चार्ज पास करेगा, तो आप रिलेट कर सकते हैं आई बराबर था डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। इस रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज दैट इज करंट का वैल्यू अगर फ्लक्स के टर्म में लिख रहे थे, वन बाई आर माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये तो डायरेक्शन था, पर डायरेक्शन को छोड़ के अभी खाली मैग्नीट्यूड को रिलेट करें तो हम मैग्नीट्यूड डाल सकते। डी टी डी टी अगर हटा दें तो डी क्यू बराबर आ जाएगा डी फाइव बाई डी फाइव बटा आर, दैट इज क्यू बराबर लिखें तो इसे डी क्यू का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसे एक बार थोड़ा सा कर दीजिए, इस तरह से रेसिस्टेंस बाहर हो जाएगा, डी फाइव का इंटीग्रेशन फाइव, लिमिट बैठाइएगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाई रेसिस्टेंस, यहां से रिलेट कर सकते हैं। उस मूविंग रॉड, उस कंडक्टिंग लूप के फील्ड में होने के बाद अगर जो फ्लक्स पास कर रहा है, पास नहीं, जो फ्लक्स पास कर रहा है अगर वो चेंज करे, कौन चेंज करे, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना पास कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है अगर वो समय के हिसाब से चेंज करे तो अपने आप एक ईएमएफ डेवलप होगा। इतना ईएमएफ डेवलप होगा, इस तरह से डेवलप होगा कि उस चेंजेस को अपोज करे, और अगर लूप क्लोज है तो ड्यू टू दैट ईएमएफ एक करंट पास करेगा, और जहां करंट पास किया एक चार्ज पास करेगा। कितना चार्ज पास करेगा, यहां से बहुत आसानी से रिलेट कर सकते कि फ्लक्स में चेंजेस पता हो बाय रेसिस्टेंस दैट विल गिव, कि उस लूप में, उस रॉड में
जो करंट पास कर रहा है उसके कारण चार्ज कितना पास करेगा। तो थ्योरेटिकली इस पूरे चैप्टर में मान के चलिए तो एक यही एक मेन पॉइंट। हाँ, अब उसी में डिटेल में अलग अलग कंडीशन में इस चैप्टर में सीखना है कि किसी रॉड से किसी लूप से कितना फ्लक्स पास किया, पास किया तो ईएमएफ कितना डेवलप हुआ, ईएमएफ डेवलप हुआ कौन से डायरेक्शन में, ईएमएफ डेवलप हुआ कितना करंट डेवलप हुआ, यही इस चैप्टर में डिटेल में सीखना है। हम लोग बात करेंगे अलग अलग कंडीशन में, पहले उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग सीखे थ्योरेटिकली कि किसी मूविंग रॉड के फील्ड में मूव करने के बाद, किसी कंडक्टिंग लूप के फील्ड में होने के बाद उससे जो फ्लक्स पास कर रहा था अगर वो टाइम के हिसाब से चेंज करेगा तो उसके क्रॉस एक ईएमएफ, अगर लूप क्लोज है तो एक करंट, उसके कारण कुछ चार्ज उस लूप में पास करेगा। अभी थ्योरेटिकली सीखे, थोड़ा सा न्यूमेरिकली अलग अलग कंडीशन में रिलेट करना सीखेंगे कि किसी रॉड से किसी लूप से फ्लक्स कितना पास किया, किस तरह से चेंज कर रहा है, ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, अगर लूप क्लोज है तो करंट कितना पास करेगा, किस तरह से उसको रिलेट करेंगे, उसके बारे में डिटेल में सीखना। एक करके अगर कैलकुलेशन में बात करें, विच कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस ईएमएफ, सबसे पहला कंडीशन में बात कर रहा है थ्रू अ मूविंग रॉड, क्लोज लूप में था। अभी जो पहला कंडीशन में बात कर रहा है कि एक कंडक्टिंग रॉड अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके क्रॉस कुछ फ्लक्स पास करेगा, कुछ ईएमएफ इंड्यूस करेगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा, कितना फ्लक्स पास करेगा, उसको थोड़ा रिलेट करना चाहिए। जहां पर सबसे पहला कंडीशन में बात कर रहे हैं कि फॉर अ रॉड जिसके क्रॉस फ्लक्स रिलेट करना चाह रहे हैं मूविंग इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, मान के चल रहे हैं किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कहीं हो, परपेंडिकुलर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक रॉड, एक कंडक्टिंग रॉड मूव कर रहा है, इसका कुछ वेलोसिटी है, हो सकता है कि ये रॉड ऐसा मूव करे, रॉड ऐसा मूव करे, रॉड कहीं तिरछा भी मूव कर सकता है, हो सकता है रॉड रोटेट भी कर रहा होगा, लेकिन पहले कंडीशन में बात कर रहे हैं ये रॉड मूव कर रहा है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में विथ जो वेलोसिटी है वो उसके लेंथ के कुछ लेंथ को, इस रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यहां से लाइन पास कर रहा होगा, जब ये रॉड उस फील्ड में मूव करेगा तो एक्चुअली जब रॉड उस फील्ड में मूव करेगा तो उससे लाइन पास करेगा, रॉड एक ही जगह पर रहने के बजाय जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है रॉड लगातार एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव कर रहा है उससे कुछ फ्लक्स पास करेगा, कितना फ्लक्स पास करेगा उसी को रिलेट कर रहा है। एट एनी टाइम मान लेते हैं कि यहां से स्टार्ट हुआ रॉड, अगर लगातार इस तरह से आगे बढ़ रहा है तो कुछ देर के बाद यहां तक पहुंचा हो कहीं हो, एट एनी टाइम। अतः अगर आपसे पूछा जाए कि इस रॉड के फील्ड में मूव करने के बाद इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू उस मूविंग रॉड, ध्यान रखिएगा कि जब रॉड फील्ड में मूव करे तो उससे फ्लक्स पास करेगा, कितना फ्लक्स पास करेगा, कितना लाइन पास करेगा, तो एक्चुअली मान के चलते हैं कि रॉड के मूव करने के ड्यूरेशन में ये कुछ एरिया जनरेट करेगा। रॉड के मूव करने के ड्यूरेशन में जो एरिया जनरेट हो रहा है उस फील्ड में मूव करने के बाद ये जो एरिया जनरेट हो रहा है उस एरिया से जितना भी लाइन पास करेगा, उस एरिया से जितना भी फ्लक्स पास करेगा, हम लोग मान के चलते हैं कि उस रॉड से पास करेगा। फील्ड में लगातार लाइन मूव कर रहा है, फील्ड में लगातार रॉड मूव कर रहा है, उस रॉड से कुछ लाइन पास करेगा, कुछ फ्लक्स पास करेगा, कितना फ्लक्स पास करेगा, तो उस रॉड के मूव करने के ड्यूरेशन में रॉड जितना एरिया जनरेट करेगा उस एरिया से फील्ड में रहने के बाद जो फ्लक्स पास करेगा
वही हम लोग मान के चलते हैं कि रॉड से फ्लक्स पास कर रहे हैं, विच इज मैग्नेटिक फ्लक्स उस रॉड से कितना पास करेगा, दैट इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू एरिया जेनरेटेड बाय मूविंग रॉड। उस रॉड के फील्ड में मूव करने में जितना एरिया जेनरेट होगा, मान के चलते हैं कि जितना भी लाइन इस एरिया से पास कर रहा होगा वो उस रॉड के मूव करने के ड्यूरेशन में उस रॉड से पास कर रहा होगा सारा लाइन सारा फ्लक्स। मतलब अगली बार अभी अगर कभी फ्लक्स उस मूविंग रॉड से निकालना हो, बस ये कंसिडर कर लीजिए कि कितना एरिया जेनरेट किया। अगर इसका लेंथ अगर एल, अगर वी स्पीड से आगे बढ़ रहा है T समय में ये डिस्टेंस कवर करेगा एस बराबर वी, फ्लक्स कितना पास करेगा तो फ्लक्स था बी डॉट डीएस। मैग्नेटिक फील्ड अगर हर जगह सेम मान के चले तो जो एरिया जेनरेट कर रहा है एल इंटू वी टी लेंथ इंटू विथ, और साथ साथ जो सबसे ज्यादा मैटर करेगा एंगल फील्ड में, एरिया फील्ड में रहने के बाद किस तरह से फील्ड में रखा है इस पे भी डिपेंड करेगा कि फर्क ज्यादा पास करेगा कि कम पास करेगा। यहां बोल सकते हैं कि अगर ये एरिया जेनरेट किया है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, फील्ड इनवर्ड है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड है, फील्ड इनवर्ड है, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री। विच रिलेट कीजिएगा तो बी एल वी इंटू टी कॉस 180 डिग्री माइनस That will relate कि टाइम के हिसाब से जब ये आगे बढ़ेगा तो जो उसके क्रॉस जो फ्लक्स पास करेगा वो कुछ इस तरह से फ्लक्स पास करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेट कर रहा था। मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ साथ अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड का बात करें, उसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप का बात करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो पढ़े हैं कि किसी भी रॉड में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इस इक्वल टू कितना, तो पढ़े थे कि फ्लक्स पास नहीं करना चाहिए, फ्लक्स चेंज करना चाहिए। जो फ्लक्स पास कर रहा है अगर समय के हिसाब से अगर चेंज करे तो उसके क्रॉस ईएमएफ डेवलप होगा, ईएमएफ मतलब एक वोल्टेज डेवलप होगा, कितना वोल्टेज डेवलप होगा तो ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी, जहां से रिलेट करें तो माइनस डीफा बाय डीटी का मतलब इसका डिफरेंसिएशन माइनस एल वी इंटू टी, जिसमें अगर रिलेट करें तो माइनस माइनस प्लस, बी अगर हर जगह सेम, रॉड का लेंथ सेम रहेगा, अगर सेम स्पीड से मूव कर रहा है तो डीटी बाय डीटी आपका वन होगा, ईएमएफ जो डेवलप होगा ई बराबर बी एल। इस रॉड के फील्ड में मूव करने के कारण इस रॉड के क्रॉस एक वोल्टेज, कितना वोल्टेज बीएल करंट पास करेगा, तो करंट तब पास करता है जब वह क्लोज लूप का हिस्सा, अगर ये क्लोज लूप का हिस्सा नहीं है तो उसके क्रॉस कोई करंट नहीं पास करेगा। हां कभी कभी हमसे ये भी पूछा जाता है कि जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है कहीं एक हायर होगा कहीं एक लोअर होगा, तो पूछा जाता है इस रॉड में कौन हायर कौन सा लोअर, इस रॉड के क्रॉस जो डेवलप हो रहा है, इस रॉड के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है कौन हायर कौन सा लोअर, एक्चुअली डिटेल में आगे हम लोग को सीखना है इसी चैप्टर में रीजन के साथ कि क्यों ऐसा होता है। हाँ अभी थोड़ा समझने के लिए कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, कंडक्टिंग रॉड कंडक्टर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन दैट इज रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो उस चार्ज के ऊपर उस फील्ड में रहने के बाद एक फोर्स लगता है, फोर्स कितना तो F बराबर Q इंटू V क्रॉस भी पहले पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी आगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर V क्रॉस भी ऊपर जाएगा, भी क्रॉस भी ऊपर जाएगा लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन होने के कारण मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा। जब ये रॉड उस फील्ड में मूव करता है मतलब चार्ज मूव करता है,
और जब चार्ज फील्ड में मूव करता है उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और जब फोर्स लगेगा तो सारा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा और सारा प्रोटॉन अपोजिट में ऊपर जाएगा, जिसके कारण एक हाइयर एक लोअर जो ईएमएफ डेवलप था इतना कितना ईएमएफ डेवलप होगा, तो बीएलवी कौन सा हाइयर कौन सा लोअर, तो आप इस तरह सोच सकते हैं कौन सा हाइयर कौन सा लोअर। हाँ, ये सब थोड़ा डिटेल में आगे हम लोग को सीखना है, लेकिन पढ़े हैं तो हल्का हल्का सीखते चले जाते हैं कि किसी रॉड के फील्ड में मूव करने के बाद जो फ्लक्स चेंज कर रहा था उसके कारण ये डेवलप हो रहा था। लेकिन याद कीजिए, फ्लक्स होता ही नहीं, फ्लक्स एक हाइपोथेटिकल फिजिकल क्वांटिटी था। जब फ्लक्स होता नहीं है तो पास कहां से करेगा, अब पास कर ही नहीं रहा तो चेंज कहां से करेगा, ये ना डेवलप कहां से होगा। तो एक्चुअली इसका रीजन कुछ और, रॉड जब मूव करता है मतलब चार्ज मूव करता है, जब चार्ज मूव करता है तो इसके क्रॉस फोर्स लगने के कारण सारा पॉजिटिव चार्ज एक साइड और सारा नेगेटिव चार्ज एक साइड डेवलप होने का कोशिश करता है, जिसके कारण उसके क्रॉस एक वोल्टेज डेवलप होता है। कितना वोल्टेज, इस तरह से रिलेट कर सकते। तो डिटेल में रीजन आगे हम लोग को एक एक करके सब सीखना है, अभी थोड़ा थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं कि किसी रॉड के फील्ड में होने के बाद जो उससे फ्लक्स पास कर रहा है अगर वो समय के हिसाब से चेंज करे तो ईएमएफ डेवलप होगा। हाँ, जरूरत पड़ने पे आप सोच सकते हैं कि कौन सा हाइयर कौन सा लोअर कुछ इतना डेवलप होगा। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, कुछ और कंडीशन में हम लोग सीखते हैं रॉड के थ्रू, इसको भी लिखिए। तो हम लोग रिलेट कर रहे हैं कि कोई कंडक्टिंग रॉड अगर किसी किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसे फ्लक्स कितना पास करेगा, ईएमएफ कितना इंड्यूस करेगा। हाँ, हम लोग ये अभी मान के चल रहे कि वो क्लोज लूप का हिस्सा नहीं है, कोई करंट नहीं पास करने का बात था, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस हो रहा। पहले कंडीशन में बात की कि रॉड मूव कर रहा था लेकिन जो वेलोसिटी था वो लेंथ के परपेंडिकुलर था। दूसरे कंडीशन में बात करें कि एक रॉड मूव कर रहा किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में लेकिन जो वेलोसिटी है लेंथ के परपेंडिकुलर के बजाय मान के चल रहे हैं कि वेलोसिटी कुछ एंगल पे, वेलोसिटी कुछ एंगल पे होने का मतलब कि रॉड कुछ तिरछा इस तरह से मूव कर रहा है। अब तब रिलेट करना चाह रहे हैं उससे फ्लक्स कितना पास करेगा, उससे ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। बात था कि उस रॉड से जो फ्लक्स पास करेगा इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू एरिया जनरेटेड। उस रॉड के फील्ड में मूव करने के बाद अगर इस तरह से मूव कर रहा है, वेलोसिटी अगर इधर है, इसका मतलब कि रॉड इस तरह से पैरेलली आगे बढ़ेगा और इस तरह से एक एरिया जनरेट करेगा। अगर वी स्पीड से अगर टी इक्वल टू जीरो पे यहां पे था, आफ्टर सम टाइम्स यहां है, तो ये एरिया जनरेट करेगा ये आगे बढ़ेगा, डिस्प्लेस करेगा वी टी, और जो फ्लक्स पास करेगा एरिया जनरेटेड विच बी डॉट डी एस में फील्ड बी, और एरिया हो जाएगा इस पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम के ये कैसे निकालते हैं, तो अगर इसको बेस माने तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, और अगर ये वीटी है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये सामने वाला हाइपोटेनस, इधर वीटी कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर निकालिएगा तो वीटी साइन थीटा, विच इज बी फील्ड था। एरिया अगर बात कीजिएगा तो लेंथ इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में वीटी साइन थीटा, और साथ में डॉट पर तोड़िएगा तो बी डी एस इन टू फील्ड, फील्ड अंदर और एरिया जनरेटेड बाहर, एंगल आ जाएगा एक्स्ट्रा साइड, कॉस 180 आ जाएगा माइनस में, दैट इज इसको अरेंज करके लिख सकते हैं माइनस बी एल वी टी इंटू साइन। रॉड जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर था तो ये एरिया जनरेट कर रहा था, अगर वेलोसिटी कुछ एंगल पे था तो इस तरह से एरिया जनरेट हो रहा था। फ्लक्स अगर समय के हिसाब से चेंज करे तो उसके अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होगा,
कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा माइनस डी फाइ बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा बीएल भी बाहर टी का डिफ्रेंसिएशन वन इंटू साइन थीटा। साथ में कोई एक हाइयर कोई एक लोअर कैसे डिसाइड करते थे, तो फोर्स से एफ बराबर क्यू भी क्रॉस बी। अगर ये रॉड इधर मूव कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा भी इधर, भी क्रॉस भी इधर आएगा, भी क्रॉस भी इधर आएगा, लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन पे बात कीजिएगा तो इधर जाएगा। या सीधा सोच सकते हैं कि जिधर भी क्रॉस भी होगा उधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसके ठीक अपोजिट। अगर इस तरह से रिलेट करें तो ये वाला हाइयर ये वाला लोअर कुछ इतना पोटेंशियल डिफरेंस उस रॉड के अकॉर्डिंग डेवलप। डिटेल में किस तरह से कब तक वो सब डिटेल में आगे हम लोग बात करेंगे, अभी थ्योरेटिकली इसकी कर रहे हैं कि जब रॉड फील्ड में मूव कर रहा था उससे जो फ्लक्स पास कर रहा है अगर वो समय के हिसाब से चेंज करेगा उसके क्रॉस एक ईएमएफ होगा, कितना ईएमएफ होगा आप इस तरह से रिलेट कर सकते। एक और कंडीशन में रिलेट करना चाह रहे हैं किसी रीजन में परपेंडिकुलर फील्ड, एक कंडक्टिंग रॉड एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, एक कंडक्टिंग रॉड परपेंडिकुलर फील्ड में अगर अपने वन इंड के अबाउट अगर कांस्टेंट स्पीड से अगर रोटेट कर रहा होगा, इस वन इंड के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है इस तरह से रोटेट कर रहा है, तब रिलेट करना चाह रहे हैं इस रोटेटिंग कंडक्टिंग रॉड, अ कंडक्टिंग रॉड इज रोटेटिंग इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, अगर फील्ड में रोटेट कर रहा है तो इसके क्रॉस ईएमएफ कितना होगा, साथ साथ इसके क्रॉस ईएमएफ फ्लक्स कितना होगा, ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा उसको रिलेट करना चाहिए। अगर मान के चल रहे इस तरह से अगर ये रॉड रोटेट कर रहा है विद कॉन्स्टेंट ओमेगा, तो अगर इक्वल टू जीरो पे यहां पे था आफ्टर सम टाइम्स कहीं आगे होगा, इस बीच ये कुछ एरिया जेनरेट करेगा, कुछ एंगल से आगे बढ़ेगा, कुछ एरिया जेनरेट करेगा, और पढ़े हैं कि इस रॉड के फील्ड में मूव करने के बाद जो एरिया जेनरेट है अगर उससे फ्लक्स निकाल लें, जितना इस एरिया से फ्लक्स होगा वो मान के चलेंगे इस रॉड से फ्लक्स होगा, मतलब अगर रिलेट करें फ्लक्स उस रॉड से कितना होगा इज इक्वल टू फ्लक्स जनरेटेड एरिया जनरेटेड से जो होगा जो एरिया जनरेट कर रहा है रोटेटिंग रॉड उससे जो फ्लक्स होगा वही उस रॉड से फ्लक्स होगा। फ्लक्स होता है बी डॉट डीएस, जिसमें रिलेट करें तो फील्ड बी एरिया ये वाला एरिया, याद कीजिए इस तरह से नाइन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एरिया होता है इस सर्किल का एक सेगमेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टू पाई, सर्किल का एक सेगमेंट इस तरह से ये सेगमेंट का अगर एरिया निकालिएगा, ये नाइन टेन से ही पढ़ना था पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 दैट इज टू पाई इंटू दोनों के बीच एंगल आ जाएगा, फील्ड अगर अंदर है एरिया बाहर होगा एक्स्ट्रा 60 डिग्री, कॉस 180 माइनस 1 बी इंटू पाई से पाई कैंसिल आउट, थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए हाफ बी आर मतलब इस रॉड का रेडियस, रेडियस इसका आ जाएगा एल स्क्वायर इंटू थीटा। रॉड के फील्ड में मूव करने के बाद जो एरिया जेनरेट हो रहा है उससे जो फ्लक्स पास करेगा वही उस रॉड से फ्लक्स पास करेगा, कितना फ्लक्स पास करेगा तो आप रिलेट कर सकते हैं, ज्यादा है तो थीटा बराबर ओमेगा टी लिख सकते हैं। अगर कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है तो जो एंगल जेनरेट होगा ओमेगा टी, और अगर समय के हिसाब से जो फ्लक्स पास कर रहा अगर चेंज करें तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा ई बराबर माइनस डी फाइ बाय डी टी, माइनस माइनस अगर हटा दे हाफ बी एल स्क्वायर एंगल चेंज हो रहा था, या तो ओमेगा टी के टर्म में सोचे या सीधा सोच सकते हैं
एंड d थीटा बाय dt इज व्हाट, किस एंगुलर स्पीड से उस फिल्म में रोटेट कर रहा है। उस फिल्म में रोटेट करने के बाद उस रॉड के क्रॉस ईएमएफ डेवलप होगा, कितना डेवलप होगा, हाफ डीएल स्क्वायर ओमेगा, जिसमें से कोई एक हायर होगा कोई एक लोअर होगा। कौन सा हायर कौन सा लोअर, थोड़ी पहले भी बात की कि वी क्रॉस बी निकाल लीजिए, चार्ज पे फोर्स निकल जाएगा, सारा पॉजिटिव एक साइड सारा नेगेटिव एक साइड, जो रिलेट करके बताएगा कौन हायर कौन सा लोअर। रॉड इस तरह से रोटेट कर रहा मतलब वेलोसिटी इधर होगा, वेलोसिटी इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। भी भी क्रॉस भी इधर आएगा, भी क्रॉस भी इधर आने का मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज इधर और सारा नेगेटिव चार्ज इधर, मतलब इसके क्रॉस हायर लोअर का बात कीजिएगा तो ओ वाला हायर पोटेंशियल और ए वाला लोअर पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अगर ये किसी क्लोज लूप का हिस्सा होता तो करंट भी पास करने का बात होता, अभी सिर्फ रॉड है कोई क्लोज लूप नहीं है, उसके क्रॉस फ्लक्स कैसा पास करेगा, ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा नोट कीजिए। तो हम लोग रिलेट कर रहे हैं कि किसी रॉड के, किसी कंडक्टिंग रॉड के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने के बाद कितना एरिया जनरेट होगा, उस एरिया से जो फ्लक्स पास करेगा, मान के चल रहे थे वो उस रॉड से फ्लक्स पास करेगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। हाँ, अगर किसी क्लोज लूप का हिस्सा रहता तो करंट भी पास करता। इसी में एक और कंडीशन बात कर रहे हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टिंग रॉड मूव कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड देने के बजाय बोल रहा कहीं कोई करंट वायर है, इस करंट वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। अभी तक हमको मैग्नेटिक फील्ड दे देता था, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड देने के बजाय एक करंट वायर दिया है, जिसका पढ़े हैं कि अगर वायर ऐसा है तो फील्ड इनसाइड होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड घटेगा, फील्ड किस तरह से घटता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बटा आर, ये पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि किसी करंट स्ट्रेट वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। अभी तक हमको मैग्नेटिक फील्ड देता था, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड देने के बजाय उस मैग्नेटिक फील्ड कहां से जनरेट हो रहा है, वो करंट वायर दिया है और इस फील्ड में बोल रहा है कि एक रॉड मूव कर रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड जिसका कुछ लेंथ होगा, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रिलेट करना चाह रहा है इस कंडक्टिंग रॉड के उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने के बाद, इससे फ्लक्स कितना पास करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू रॉड। पढ़े किस रॉड के मूव करने के ड्यूरेशन में कुछ एरिया जनरेट होगा, रिलेट करना चाह रहे हैं इस करंट वायर के फील्ड में जिसका वैल्यू इतना था, अगर कोई कंडक्टिंग रॉड अगर मूव करे तो उसके क्रॉस फ्लक्स कितना पास करेगा, ईएमएफ कितना इंड्यूस करेगा। अगर t इक्वल टू जीरो पे अगर यहां पे था, उस समय के बाद कहीं आगे होगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसा अगर बीटी इस बीच ये रॉड कुछ एरिया जनरेट करेगा, जितना एरिया जो जेनरेट हुआ है उससे फ्लक्स पास करेगा, वही मान के चलते हैं उस रॉड से फ्लक्स पास करेगा। फ्लक्स था बी डॉट डीएस, ये सीधा सीधा तब कर सकते हैं जब हर जगह फील्ड सेम है, जैसे जैसे वायर से दूर जाएंगे फील्ड बढ़े फील्ड सही घटेगा, फील्ड घटने का मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग फील्ड, तो हमको इंटीग्रेट करके फ्लक्स निकालना पड़ेगा, उसके लिए एक छोटा सा सेगमेंट से फ्लक्स निकालना पड़ेगा और टोटल निकालने में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर यहां से r डिस्टेंस पे
अगर एक डीआर थिकनेस का एक सेगमेंट सोचे तो पहले इससे फ्लक्स निकालेंगे, टोटल निकालने में सारा से निकालेंगे इज इक्वल टू फील्ड कितना, तो फील्ड था म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई बटा आर, जहां पे एंगल का बात कीजिएगा तो एंगल आ जाएगा 180 डिग्री, एरिया बाहर फील्ड अंदर, इनसाइड में फील्ड, एरिया का बात कीजिएगा तो छोटा सा सेगमेंट जिसका लेंथ dr माने हैं, ये विड्थ हो जाएगा vt, dr इंटू vt, इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगर कैलकुलेट कीजिएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई अगर रिलेट कीजिएगा तो 2i vt बाहर, एक करके अगर जोड़ने का बात करें तो इस तरह से एलिमेंट जुटेगा, आर चेंज करेगा डीआर बाई आर, एक करके रॉड कुछ डिस्टेंस पर होगा, अगर लोअर लिमिट का बात करें तो आर इज इक्वल टू डी, यहां से एलिमेंट स्टार्ट होगा, एक करके ऐसा सा सेगमेंट जोड़ना है, यहां तक जोड़ना है, अपर लिमिट का बात कीजिएगा तो एल प्लस डी, डीआर बाई आर का इंटीग्रेशन आर इज इक्वल टू डी से आर इज इक्वल टू एल प्लस डी तक, डीआर बाई आर का इंटीग्रेशन एल एन आर अगर इसको बैठाइएगा म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई वी टी डीआर बाई आर एल एन आर, अपर लिमिट बैठाइएगा एल प्लस डी, लोअर लिमिट वाला माइनस आ जाए, लॉग एन माइनस लॉग एन, इसको आप ऐसे लिख सकते, मतलब बोल सकते हैं इस रॉड के इस तरह से मूव करने में समय के हिसाब से फ्लक्स ऐसा पास करेगा, अतः अगर आपसे पूछा जाए इंड्यूस ईएमएफ, कहीं भी जो फ्लक्स पास करेगा अगर समय के हिसाब से चेंज करेगा, फ्लक्स जो पास कर रहा है अगर समय के हिसाब से चेंज करेगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस का बात कितना माइनस बीटा बाय डीटी, अच्छा कॉस 180 डिग्री यहां पे छूट रहा था, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i v, आप समय के हिसाब से t चेंज करेगा अगर बराबर स्पीड से मूव कर रहा तो ln l प्लस d बाई डी, रेंज कीजिएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i v dt बाई डी टी 1 ln l प्लस d बाई डी, उस रॉड के फील्ड में मूव करने के बाद अगर इस तरह से मूव कर रहा है, फ्लक्स इस तरह से समय के हिसाब से चेंज करेगा, ईएमएफ इतना इंड्यूस करेगा जिसमें कोई एक हाइयर और कोई लोअर, कौन सा हाइयर कौन सा लोअर, पहले ही बात की थी कि इस रॉड के मूव करने का मतलब इस रॉड के अंदर चार्ज मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जिधर v क्रॉस b होगा उधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और जिधर v क्रॉस b के अपोजिट बात कीजिएगा तो नेगेटिव चार्ज जाएगा, वेलोसिटी ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स v क्रॉस b के अपोजिट, v ऊपर b अंदर, v क्रॉस b इधर जाएगा, सारा पॉजिटिव चार्ज इधर सारा नेगेटिव चार्ज इधर, रिलेट कीजिएगा तो बोल सकते हैं कि हाइयर और लोअर कौन सा है, तो अलग अलग कंडीशन में रॉड से फ्लक्स कितना पास करेगा, ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, अगर वो रिलेट करने आता है तो आसानी से आप सोच सकते हैं। आज वाले लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वाले लेक्चर में रॉड के बजाय किसी क्लोज लूप, अलग अलग शेप का क्लोज लूप, उससे कितना फ्लक्स पास करेगा, ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, वो अगले क्लास में लोग सीखेंगे, आज इतना ही, इसको नोट कर लीजिए।